हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शिवानी मिश्रा। प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसके साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। तो चलिए डिज़ाइन की तरफ चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिज़ाइनपुर में। तो मैं आज आपको बैक ब्लाउज डिज़ाइन बताने जा रही हूँ। मैंने ब्लाउज की जो लेंथ रखी है 14.5 इंच है और 3 इंच की चौड़ाई देते हुए हम ऊपर के साइड देखे गले की मार्किंग कर रहे हैं। इतना आप भी साइज रखिएगा और 3 इंच का साइज हम नीचे के साइड भी रख रहे हैं। तो मैंने देखिए मार्किंग की है, इसको हम बराबर स्ट्रेट लाइन से कर लेते हैं। तो देखिए मैंने बराबर स्ट्रेट लाइन बना लिया। अब गले का लेंथ देखिए मैं 10 इंच रख रही हूँ। यहाँ से मैं मार्क कर देती हूँ, यहाँ से देखिए मैं बराबर कर देती हूँ। आप जितना चाहे उतना डीप नेक रख सकते हैं। तो ये देखिए मैं गले का डिज़ाइन का मार्किंग कर ली हूँ, अब इसको हम कट कर देते हैं। तो मेरा देखिए गला कट चुका है। मैं ब्लाउज का कपड़ा लेती हूँ, बिल्कुल बराबर कर देंगे ब्लाउज के कपड़े को अस्तर के साथ में। अब इसका भी गला सेम इसी तरीके से कट करेंगे जैसे मैंने अस्तर का कट किया है। तो मेरा देखिए गला बिल्कुल कट चुका है अच्छे तरीके से। अब इसकी हमें स्टिचिंग करनी है। तो अस्तर और कपड़े को हम बिल्कुल बराबर करके फैला लेते हैं। अब हम गले पे एक सिलाई लगा के इसकी पूरी गले की स्टिचिंग कर लेते हैं। तो मेरा गला देखिए स्टिच हो चुका है अच्छे तरीके से। अब गले पे हम कट्स लगा देते हैं पूरे गले पे। तो मैंने कम्प्लीटली कट्स लगा दिया। अब इसको हम उलट कर सीधा कर देंगे। ये देखिए मैंने सीधा कर लिया। एक सिलाई लगा के फिर से हम गले को अच्छे तरीके से स्टिच कर लेंगे। तो मैंने गला देखिए कम्प्लीटली पूरा स्टिच कर दिया है। ब्लाउज की ऑलराउंड स्टिचिंग करेंगे। अस्तर और कपड़े को बिल्कुल बराबर करते हुए हम पूरे ब्लाउज की स्टिचिंग कर लेंगे। तो मैंने पूरे ब्लाउज की स्टिचिंग देखिए कम्प्लीटली कर दिया है। मुझे गले की डिज़ाइन बनाना है तो इसको एक साइड करेंगे। और ये मैंने पट्टी ली है, इसकी मुझे डोरी बनानी है। तो चलिए मैं पतली वाली डोरी से स्टिच कर लेती हूँ। तो मैंने डोरी स्टिच कर दी है, अब इसको हम कट कर देंगे। अब इसको हम उलट कर सीधा कर लेते हैं अच्छे से पूरा डोरी को। मैं नीडल्स की सहायता से इसको उलट कर सीधा कर देती हूँ पूरा डोरी को। ये देखिए मैंने डोरी सीधी कर ली है। अब मैंने ये जो कपड़ा लिया है स्क्वायर साइज स्क्वायर में, इसकी चौड़ाई और लंबाई दोनों मैंने 4 इंच रखी है। अब इसको देखिए मैं कैसे कट कर रही हूँ, आपको वीडियो में दिख रहा होगा। सेम ऐसे ही आप भी कट कर लीजिएगा। तो सेम देखिए दोनों की साइज़ इक्वल है। 4 इंच की लंबाई है, 4 इंच इसकी चौड़ाई भी है। इन दोनों को हम बिल्कुल बराबर कर लेते हैं। बराबर में बिल्कुल रख के हम इसको स्टिच करेंगे। तो चलिए मैं स्टिच कर लेती हूँ इसको। तो कैसे स्टिच किया जाएगा मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। सेम ऐसे ही आप भी स्टिच कर दीजिएगा इसको। ये मेरा देखिए एक ही डिज़ाइन स्टिच है, इसी तरीके से दूसरा डिज़ाइन भी स्टिच कर लेते हैं। अब इसको हमें उलट कर सीधा करना है। तो मैं कैसे करूँगी आप वीडियो में देखते रहिए। अब इसे हम सीधा कर लेते हैं। मैंने दोनों डिज़ाइन को देखिए सीधा कर दिया है। नीचे के साइड से एक सिलाई लगा के इसको हम स्टिच कर देते हैं। तो मैंने दोनों डिज़ाइन को देखिए कम्प्लीटली एक एक सिलाई लगा के स्टिच कर लिया है, ये देख लीजिए। अब इस डिज़ाइन को कैसे हम बनाएंगे देखते रहिए आप। तो मैंने सब जितने डिज़ाइन यूज़ में मुझे लाने हैं सब मैंने बना लिया है। अब इसको हम डिज़ाइन करेंगे। तो चलिए मैं आपको डिज़ाइन करके दिखाती हूँ और मैं साइज़ आपको दिखा दूँ। देख लीजिए इसका 4 इंच मैंने लंबाई रखा था और 4 इंच इसकी चौड़ाई भी थी। अब इसको डिज़ाइन मुझे करना है। तो मैं जो डोरी बनाई थी उस डोरी को पहले हम फर्स्ट वाले डिज़ाइन में स्टिच कर लेते हैं। तो
कैसे मैं स्टिच करें आप वीडियो में देखते रहिए, आपको ये स्टेप बाय स्टेप मैं पूरा डिज़ाइन दिखा देती हूँ कैसे ये बनाया जाएगा। तो सेम इसी तरीके से आप भी बना लीजिएगा इस डिज़ाइन को। तो पहले मैंने इसको स्टिच करके निकाल दिया है, दूसरा डिज़ाइन लेंगे और मुझे साइज करना है कि मेरे डोरी जो मेरे डिज़ाइन में कितना यूज़ में आएगा। इस तरीके से आप भी साइज कर लीजिएगा जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। देखिए इतनी डोरी की लेंथ हमें चाहिए। देखिए इसी तरीके से आप भी बिल्कुल बराबर में से फोल्ड करके फिर साइज कर लीजिएगा। अब इतने लेंथ में हमें डोरी चाहिए, इसी लेंथ में हमें डोरी बनानी है। तो चलिए मैं आपको इसी लेंथ में सब डोरियों को साइज कर लेती हूँ और सबको हम कट कर लेते हैं। मैंने डोरियाँ देखी कट कर दी है। चलिए मैं कैसे डिज़ाइन करके डोरियों को स्टिच कर रही हूँ आप वीडियो में देखते रहिए, आपको मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा डिज़ाइन दिखा रही हूँ। सेम ऐसे ही आपको भी इस डिज़ाइन को बनाना है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा डिज़ाइन दिखा रही हूँ। ये डिज़ाइन बहुत ही इजी है, बहुत ज़्यादा ये ब्यूटीफुल दिखता है बनाने के बाद। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे वीडियो को बिना स्किप किए देखिए, आपको ये पूरा डिज़ाइन समझ में आ जाएगा कैसी ये डिज़ाइन बनाई जा रही है। तो ये देख लीजिए मैं आप कैसे इस डिज़ाइन को बना रही हूँ, आपको वीडियो में बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और अगर मेरी ये डिज़ाइन आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी डिज़ाइन कैसी लगी और ज़्यादा से ज़्यादा इस डिज़ाइन को आप शेयर कीजिएगा। ये देख लीजिए मैंने कम्प्लीटली डिज़ाइन को स्टिच कर दिया है। अब इस डिज़ाइन को मैं आपको ब्लाउज के साथ में ज्वाइन करके दिखाती हूँ। तो मैंने देखिए ब्लाउज को ले लिया है। अब इसके ऊपर से हम नीचे के साइड से देखिए इस डिज़ाइन को स्टिच करेंगे। तो बिल्कुल बराबर कर लीजिएगा डिज़ाइन को। अब हम इसको एक सिलाई लगा के स्टिच कर देते हैं पूरा। चलिए मैं आपको स्टिच करके इसे दिखा देती हूँ। अच्छे से बिल्कुल बराबर करते हो, यहाँ से हम डिज़ाइन को स्टिच करेंगे। ये देख लीजिए मैंने डिज़ाइन को स्टिच कर दिया है पूरा ब्लाउज के नीचे के साइड से। अब इस पे मुझे लेस लगाना है तो मैं लेस ले लेती हूँ और गोल्डन कलर का लेस मैं यूज़ कर रही हूँ। तो मैं यहाँ से लेस लेके और अच्छे तरीके से लेस को भी स्टिच कर देते हैं पूरा। तो मैंने लेस को देखिए स्टिच कर लिया है। अब मैं लेस को फिर से किस साइड से स्टिच करूँगी आप वीडियो में देखते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने लेस को फिर से लिया है और इसको यहाँ से भी हम अच्छे से पूरा स्टिचिंग कर लेते हैं लेस की। तो मैंने देखिए कम्प्लीटली पूरा लेस स्टिच कर दिया है। जिस तरीके से मैंने इस साइड से लेस स्टिच किया सेम इसी तरीके से दूसरे साइड से मैंने देखिए कर लिया है और मेरी ब्लाउज डिज़ाइन बिल्कुल कंप्लीट है। कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है। अगर आपको मेरी ये डिज़ाइन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा मेरे इस वीडियो को और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कब को मेरी डिज़ाइन कैसी लगने। फ्रेंडों के साथ शेयर करना ना भूलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इस डिज़ाइन को शेयर कीजिएगा। और अगर आपने मेरे इस चैनल पहली बार विजिट किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ बेल आइकन को जरूर इनेबल कर दीजिए इस लेटेस्ट डिज़ाइन देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स।